चुन चुनकर सबको तबाह करने का इरादा है। एक के बाद एक आसमान से गोले बरसाए जा रहे हैं, लगातार बमबारी हो रही है, धमाकों से इस वक्त दहल उठा है पूरा यूक्रेन। रूस और यूक्रेन सैनिकों के बीच गोलीबारी, ताबड़तोड़ फायरिंग से भारी लोगों में दहशत है। खारकोव से रूसी हमले की सबसे नई तस्वीर आई सामने। खारकोव पर रूस ने किया बड़ा हमला, आसमान में दिखी आग की लपटें, यूक्रेन का आसमान बमों से गूंजा। यूक्रेन की सेना का बहुत बड़ा दावा, 200 रूसी सैनिकों को बंधक बनाने का दावा। यूक्रेन के खेरसोन में रूसी सैनिकों की लाशों के ढेर लगे, आप तस्वीरों में देख सकते हैं रूसी सैनिकों की लाशें, तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। यूक्रेन से वॉर के दौरान रूसी सैनिकों की हुई मौत। रूस की तरफ से रिहायशी इलाकों में लगातार हमला जारी, यूक्रेन के सुमी में रिहायशी इमारतों पर रूस का हमला, रूस की मिसाइलों ने सुमी में रिहायशी इमारत को निशाना बनाया। यूक्रेन का रूस के हवाई हमले को करारा जवाब, यूक्रेन ने रूस के MI-24 को आसमान में मार गिराया, खेरसोन में रूस के Sukhoi-24 को भी मार गिराया। पुतिन का तनाव बढ़ाने वाली खबर, एलन मस्क के सैटेलाइट अब यूक्रेन को रियल टाइम भेजेंगे रिपोर्ट, एलन मस्क ने ट्वीट कर दी जानकारी, स्टारलिंक की सर्विस अब यूक्रेन को मिली। युद्ध के बीच रूस की एक और नई चाल, लोगों की लोकेशन ट्रैक कर रहा है रशिया, यूक्रेन के गृह मंत्रालय का निर्देश, लोग अपनी फोन की लोकेशन बंद करें। धमाकों और गोलीबारी की आवाज से थर्राया कीव, कीव में रूसी और यूक्रेनी सेना के बीच भीषण गोलीबारी, हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी के निशान। यूक्रेन की राजधानी कीव में जारी हुआ रेड अलर्ट, लोगों को तुरंत शेल्टर्स में जाने के निर्देश दिए गए, रूस के लगातार हमलों के चलते जारी किया गया अलर्ट।